फीस वृद्धि को लेकर आप बसपा की तरफ से आज अमरा अनशन का 19वां दिन है, क्या कहेंगे बसपा की तरफ से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अहित हो रहा है। आज छात्रों के साथ अहित हो रहा है, छात्रों को पढ़ने से रोका जा रहा है। मनुवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें इन छात्रों को, जो गरीब मजदूर और किसानों के बच्चे हैं, उनको पढ़ने से रोक रही है। तो बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ इन छात्रों के साथ खड़ी हुई है। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहन जी के निर्देशानुसार, ताकि इन बच्चों का हौसला अफजाई कर सके। बहन जी ने ट्वीट भी किया इस मसले पे और बहन जी बहुजन समाज पार्टी के साथ इन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला करके है। वाराणसी से लोग आए हैं, मुजफ्फरनगर से लोग आए हैं, और भी आसपास के इलाहाबाद से भी लोग आए हैं, तो गाजीपुर से भी लोग आए हैं, काफ़ी क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। आप जितेंद्र धनराज क्या कहेंगे आपके जो है यहाँ पे बसपा की तरफ से उपकार पावरा जी आए हैं समर्थन देने? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मसीहा, हमारी स्वाभिमान सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे बड़े भाई युवाओं के प्रेरणा स्रोत भावरा जी को भेजें। और जो आपको भी पता है कि हम लोग छात्र संघ बहाली का भी मांग कर रहे हैं, और उससे भी पहले फीस वृद्धि जो 400 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको पता है कि शिक्षा से सबसे ज़्यादा वंचित अगर होगा तो गरीब समुदाय का, और ये विश्वविद्यालय ऐसा है कि अमीर और गरीब सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये सरकार की सीधा सीधा मंशा है कमेरा बनाम लुटेरा, ठीक है ना। मजदूर कस लोग ना पढ़ें, गरीब लोग सीधा सीधा ना पढ़ें। तो हम बता देना चाहते हैं सरकार को भी और कुलपति को भी कि तुम्हारे जिस दौर से गुजरना पड़ेगा उस दौर से गुजर के, बाबा साहब ने कहा था मान स्वाभिमान अधिकार बिना लड़े नहीं मिलता, तो हम लड़ेंगे और 400 फीस वृद्धि वापस करा के ही मानेंगे। अगर प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगा तो देंगे, सही लाल पदम धर के पद चिन्हों पर चल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे, निर्देशानुसार माननीय उपकार बावरा जी आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सरजमी पर आए हैं, और इन आंदोलनकारी छात्रों के साथ बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। और निश्चित रूप से इस जो तानाशाह कुलपति है, इसको 400% जो फीस वृद्धि का जो मामला है, इसको वापस लेना ही होगा हर हाल में। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ। तो क्या यहाँ का मैसेज बहन जी तक पहुँचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में यहाँ के अध्यक्ष हमें मांग पत्र देंगे अपना, और उस मांग पत्र को हम बहन जी तक लेकर के जाएंगे। आज आपके समर्थन में बसपा की तरफ से आए हैं, क्या कहेंगे राहुल? हम अपने बड़े भाई को उपकार वावरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जैसे कि नौजवानों की लड़ाई में हमेशा चाहे इनका योगदान रहा हो, चाहे इनके मुखिया का योगदान रहा हो सरपरी, उसके लिए इनके बसपा सुप्रीमो को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आमरण अनशन का 795 दिन, छात्रसंघ बहाली का 795 दिन, आमरण अनशन का 19 दिन से आंदोलन चल रहा है, ये वाइस चांसलर मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। गूंगी बहरी हो गई है, निकम्मी हो गई है, नकारी हो गई है, इसके कान में जू ने रेंगना बंद कर दी है। तो हम इसको भी बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे आका जो गुजरात के आका हैं, उनसे भी मैं कह देना चाहता हूँ, तुम्हारी सरकार को एक बर्बाद करने पर ये मोहतरमा तुली है, ये महिला तुली है, ये जैसा कि ये तो जाने वाली है, इसकी कुर्सी हिल रही है, डबडबा रही है, लेकिन आपकी कुर्सी 24 वाली भी डबडबाना शुरू हो गई है। इसको हटा दीजिए तत्काल, जितना जल्दी हो जाए, नहीं तो बर्बाद कर देगी विश्वविद्यालय को और आपको बर्बाद कर देगी। फीस वृद्धि तो हम वापस ले ही रहेंगे, इनके हैसियत नहीं है कि फीस वृद्धि ये वापस ना करें। महिला नेता के तरफ से आप महिला हैं, क्या कहेंगे फीस वृद्धि? मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से गरीबों को शिक्षा से 400% फीस बढ़ा करके गरीबों के मुंह पर लात मारी जा रही शिक्षा से वंचित करने के लिए, ये एक महिला होने के नाते चांसलर महोदय बहुत गलत कर रही हैं। और चांसलर महोदय की ये भी सोचना चाहिए कि आप चांसलर हैं, आपके बच्चे चांसलर नहीं होंगे, आपके आने वाली पीढ़ियां नहीं चांसलर होगी, आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार के चांसलर नहीं होंगे, वो भी इसी शिक्षा से वंचित होंगे। हाँ, आप तो जनता से दलाली करके रुपया रख लेंगे, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सकती हैं, लेकिन गरीब किसान के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? वो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसीलिए पढ़ने आते हैं कि हम यहाँ पढ़ेंगे,
कुछ करके दिखाएंगे। शिक्षा यहाँ सस्ती है, शिक्षा सस्ती होने के नाते यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ चांसलर महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिला चांसलर बनी और ये इनकी मानसिक रूप से इस तरह से गुलाम हुई कि शिक्षा को ही इतनी महंगी कर दी है कि आज हमारे छात्र भाई सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों आंदोलन कर रहे भाई? मतलब जिस शिक्षा को हमें स्वयं देनी चाहिए, जो ज्ञान हमें दूसरों को बांटनी चाहिए, उसी ज्ञान को हम पैसे के बल पे छीन रहे हैं। जिस छात्र को स्वयं एक दूसरे को बढ़ावा मिलनी चाहिए, आज वो छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ये छात्र लड़ाई लड़ के आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं क्यों? आप एक चांसलर हैं और आपके छात्र आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस तरह से गुलाम हो चुके हैं, मानसिक गुलामी से आप इस तरह जूझ चुके हैं कि आप छात्र की आवाज़ नहीं सुन रहे, छात्र की दर्द नहीं समझ पा रही हैं।